वेलकम दोस्तों, आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों आज इंट्रा बी 10 है, इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, बार बार रीजनरेशन आ रहा है। 50 या 60 किलोमीटर चलाने के बाद रीजनरेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, पिकअप ड्रॉप हो रहा है। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे प्रॉब्लम है आप लोगों को दिखाऊँगा, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को क्लस्टर मीटर में इग्निशन ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इग्निशन को करते हैं ऑन और देखिए अभी भी ये लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है और साथ ही साथ चेक लाइट भी है और गाड़ी का पिकअप नहीं है। तो एक बार स्कैनर को कनेक्ट करके देखते हैं सूट मास कितना है और कहाँ पे प्रॉब्लम है, कोड क्या आ रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो स्कैनर को कनेक्ट कर लिया है मैंने, तो जाएंगे डायग्नोस में, फिर जाएंगे इंडिया टाटा और डायग्नोसिस, नीचे जाएंगे पिकअप में बेसिक्स एससीबी डीजल और इंटरटेन है। इंटरटेन में जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन इंजन मैनेजमेंट और डी ट्रैवल कोड, और यह देख सकते हैं बहुत सारा कोड बन चुका है और एक नंबर का है डेल्टा प्रेशर, ये मेमोरी साइड है। दो नंबर का है डीपीएफ एक्सेस शॉर्ट लोड, ये कंफर्म में आ रहा है। दो या तीन कंफर्म में आ रहा है, साथ में एक ग्लो प्लग का है और लाइव डाटा में जाके चेक करते हैं। चाहते हैं बैक सेलेक्ट ऑल, और यह देख सकते हैं लास्ट रीजनरेशन 31 किलोमीटर चलने के बाद यह रीजनरेशन का प्रॉब्लम आ गया है और सूट मास वैल्यू देखिए 28 ग्राम है। तो लगभग 30 से 50 किलोमीटर चलने से पहले ही रीजनरेशन का प्रॉब्लम आ जाते हैं, पिकअप ड्रॉप हो जाते हैं इस गाड़ी में। तो बार बार दिक्कत आने का प्रॉब्लम या तो टर्बोचार्जर में प्रॉब्लम हो सकता है और इंजेक्टर पर भी हो सकता है। और डेल्टा प्रेशर ज़्यादा होने से भी ये प्रॉब्लम बार बार आ सकता है। तो इन चीज़ों को एक बार चेक करेंगे हम, चेक करने के बाद कहाँ पे प्रॉब्लम है ये आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम टर्बोचार्जर को चेक करेंगे और उसका जो इंटरकूलर है उसमें मोबिल गया है कि नहीं। अगर इंटरकूलर में मोबिल जाएगा तो भी टर्बोचार्जर ख़राब है और बार बार ये रीजनरेशन का प्रॉब्लम आएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले इंटरकूलर को एक बार निकाल के चेक करते हैं उसमें मोबिल गया है कि नहीं। तो चलते हैं इंटरकूलर में, एक बार उसको निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूँ, इंटरकूलर चेक करने से पहले पूछ सकते हैं आप लोग कि ये कोड बन रहा है ये साइलेंसर में जो सेंसर रहता है उसका, ये जो सेंसर शॉर्ट लोडेड ये जो कोड बन रहा है ये साइलेंसर में लगा रहता है उसका कोड है, और क्यों मैं इंटरकूलर चेक करूं। तो इंटरकूलर चेक करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा क्यों मैं ये चेक कर रहा हूं।
सिर्फ ये चेक नहीं करूँगा, उसके साथ साइलेंसर भी क्लीन करूँगा, साइलेंसर और इंजेक्टर का जो बैक लीकेज है वो भी चेक करूँगा। सारे चीज़ चेक करना पड़ेगा बार बार, जो जिस गाड़ी में रीजनरेशन का प्रॉब्लम आए तो ये सारे के सारे चेक करना पड़ता है। अगर इंटरकूलर में मोबिल मिल जाए तो समझ लो साइलेंसर में भी मोबिल जा रहा है, इसलिए इस सेंसर का कोड बन रहा है, तो इसलिए इसके साथ ये इसका भी कनेक्शन है, तो ये सारे चीज़ चेक करना पड़ता है। तो चलते हैं इंटरकूलर को निकालने के लिए, और बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और देखिए दोस्तों, इंटरकूलर निकालने का प्रोसेस चल रहा है, और देखिए अभी निकल के बाहर आ चुका है, और आप लोगों को दिखाते हैं इसके अंदर मोबिल है या नहीं। सो अच्छी तरह से तो देख सकते हैं इसके अंदर मोबिल है, तो मोबिल जा चुका है इसके अंदर। देखिए दोनों साइड में, दिखाइए दोनों साइड में मोबिल है, अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए देखिए इसके अंदर से इस तरह मोबिल बाहर निकल आ रहा है, इसका मतलब टर्बो चार्जर का जो एक्चुएटर है वो प्ले है। इसको भी चेक करेंगे हम लोग कितना प्ले है, चेंज करना पड़ा है तो चेंज करेंगे। और दोस्तों उसके बाद हम साइलेंसर को निकाल के क्लीन करेंगे, और देख सकते हैं साइलेंसर को निकल चुका हूँ, और यहाँ बहुत साइलेंसर का सारा सेंसर खुल चुका हूँ, ये देख सकते हैं इस सेंसर में भी देख सकते हैं कितना कार्बन जमा हुआ है, पूरा जाम है ये सेंसर। ठीक है, पूरा पूरा जाम है ये सेंसर। और जी यहाँ देखिए यूरिया इंजेक्टर, और देख सकते हैं साइलेंसर को सर्विस में लेके आ चुका हूँ, और साइलेंसर का पूरा क्लीन करने का प्रयास नहीं दिया, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो है साइलेंसर का क्लीन करने का, साइलेंसर क्लीन करने का बहुत सारा वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक आई बटन में मिल जाएगा। और देखिए यहाँ इतना कार्बन बाहर निकल के आ रहा है, और दोस्तों देख सकते हैं सबके सब फिट करने के बाद हम रीजनरेशन का प्रोसेस चालू कर दिया है, और सबका जो करना नहीं देखा है वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट है और रीजनरेशन का प्रोसेस चल रहा है गाड़ी में, देख सकते हैं, और स्कैनर भी देखिए कनेक्ट है, उसमें प्रोटीन टेस्ट एक्टिव है, रीजनरेशन चल रहा है अभी। और हम रीजनरेशन ख़त्म होने के बाद गाड़ी को टायर करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं ये आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों आखिर तक बने रहिए वीडियो में। और देख सकते हैं रीजनरेशन कंप्लीट हो चुका है, देखिए करेंगे अभी। ओके जाएंगे ब्रेक, और एक बार हम देख चेक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ दो कोड बन रहा है अभी, इसको हम क्लियर करेंगे, क्लियर करके देखेंगे कौन सा कोड बचा है। तो करते क्लियर, तो देखिए ये कोड गया नहीं, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी को करते हैं अप और इग्निशन करेंगे ऑन, फिर क्लियर करेंगे। देखिए ये दो कोड है, और करेंगे क्लियर सक्सेसफुल ट्रबल कोड, और देखिए नॉट ट्रबल कोड है, और लाइव डाटा में जाके दिखाएंगे आप लोगों को सूट मास है कि नहीं। तो देख सकते हैं सूट मास अभी जीरो है, एकदम जीरो हो चुका है सूट मास।
और बैग जाके अभी एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके रीड करेंगे। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। देखिए स्टार्ट हो चुका है, अभी भी चेकलाइट है। चेकलाइट क्यों है ये आप लोगों को दिखाते हैं। करते हैं रीड। और देखिए ये अभी ग्लू प्लग का, दो नंबर का जो ग्लू प्लग है, उसका कोड बन रहा है। दो नंबर का ग्लू प्लग खराब है, ये भी चेंज कर दूंगा। चेक लाइट भी चला जाएगा ग्लू प्लग चेंज करने के बाद। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए खुदा हाफिज़।